तो आज हमें न्यू टॉपिक से चलना है, ठीक है ना। अब जरा ढंग से सुनना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज रेट में कौन सी रिलेशनशिप होती है। आज मैं सप्लाई की बात करूंगा, समझ में आ गई बात, जरा सामने देखते रहना। मैं कह रहा हूं बेटा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा ना, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज हो जाती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा ना, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी मैं बोल सकता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कौन सी रिलेशनशिप होती है बेटा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहली बात तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही क्या है, ये समझ लो। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि यूएस वालों से हम डॉलर मांग नहीं रहे। अगर हम डॉलर मांगते तो वो क्या होती, डिमांड। बट आज वो हमें खुद डॉलर दे रहे हैं, कह रहे हमसे डॉलर ले लो। बताओ हमें डॉलर कब देंगे, जब वो यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो हमारे पास डॉलर आएंगे, जब वो यहाँ पे आके स्पेकुलेट करेंगे तो हमारे पास डॉलर आएंगे, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, हमें गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भेजेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, डॉलर्स आएंगे, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कौन सी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। अब मेरे को ये प्रूफ करके दिखाना है कि क्यों ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जब भी पता है किसकी बात हो, जब भी डिमांड की बात हो, किसकी बात हो, किस चीज की डिमांड है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की बात हो, तो आप पता है क्या बन जाना, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, इंडिया के, किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे। और जैसे ही पता है किसकी बात हो, बताओ भाई, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात हो, तो आप पता है फॉरनर बन जाना, क्या बन जाना, फॉरनर, आप यूएसए के वो बन जाना सिटीजन, ठीक है ना। अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात को। अरे रितेश माइक ऑफ करो। हाँ देखो भाई, मैं कह रहा हूं देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, पहले था 60 रुपीज पर डॉलर, तो उस पे पता है कितने डॉलर्स की सप्लाई हो रही थी बेटा, 10 मिलियन डॉलर्स की क्या हो रही थी, सप्लाई। आज एकदम से एक्सचेंज रेट पता है कितना हो गया, 70 रुपीज पर डॉलर, तो पता है आपको आज कितने डॉलर की सप्लाई होगी, 20 मिलियन डॉलर्स की। क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट FER इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब क्यों होगी, जरा ढंग से देखना। मैं कह रहा हूं पहले क्या हो रहा था, एक डॉलर में मुझे बताओ कितने रुपीज आ रहे थे, यही तो हो रहा था। आज क्या हुआ, एक डॉलर में कितने आ रहे, 70 रुपीज। अब ढंग से सुनना, मुझे बताओ हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर मैं सप्लाई की बात करूंगा तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, यूएसए। तो मैं इधर आके खड़ा हो गया, देखो मैं इधर आ गया, मैं यूएस का बन गया क्योंकि यहीं पे डॉलर्स है ना। अगर मैं डिमांड की बात कर रहा था तो मैं इधर जाके खड़ा हो जाता, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं क्या बनता, इंडियन, ठीक है ना। तो मैं अभी इंडियन नहीं हूं, बताओ मैं क्या हूं, मैं अभी फॉरनर हूं, क्या हूं मैं, फॉरनर। बताओ भाई, पहले मैं इंडिया वालों को एक डॉलर दे रहा था और इंडिया से कितने का सामान खरीद रहा था, 60 रुपए का सामान खरीद रहा था, है ना। आज उसी एक डॉलर में इंडिया से मैं 70 रुपए का सामान खरीद पा रहा हूं, तो मेरे लिए तो सस्ता हो गया इंडिया से खरीदना, तो मैं ज्यादा खरीदूंगा, और मैं ज्यादा खरीदूंगा तो इंडिया को डॉलर में ज्यादा दूंगा, अरे कम नहीं दूंगा, ज्यादा दूंगा, है ना, समझ रहे मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ एक डॉलर में 60 रुपए का सामान खरीद रहा था, आज उसी एक डॉलर में 70 रुपए का, मेरे लिए तो खरीदना सस्ता हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा खरीदना, तो जब मैं ज्यादा खरीदूंगा तो मैं यहाँ पे इंडिया वालों को डॉलर क्यों नहीं दूंगा, अरे तो मेरी बात नहीं समझे। इधर देखो ना, मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो सागर तुम्हारे पास 100 रुपए है सागर, ठीक है, मार्केट में जाके तुम्हें एप्पल लाने के लिए बोला मैंने, ठीक है, और एक एप्पल आ रहा है तुम्हारा 20 रुपए, कितने एप्पल लेके आओगे, 5 एप्पल। अब तुम मार्केट पहुंचे सागर, मार्केट में जैसे पहुंचे, अभी भी तुम्हारे पास 100 रुपए है सागर, ठीक है ना। आज तुम्हें पता चला वहां जाते कि जो एप्पल है, एप्पल का प्राइस कम हो गया है, एप्पल सस्ते हो गए, एप्पल कितने का आ रहा है, कितने लेके आओगे, 10 क्यों लेके आए, अभी भी तो 5 लेके आ सकते थे, 50 रुपए बचा लाते। मैं यही तो तुमसे कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब हमें कोई चीज सस्ती मिलती है ना तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं, और जब वो ज्यादा खरीद रहे हैं यूएसए वाले इंडिया से सागर, तो वो डॉलर भी तो ज्यादा ही पे करेंगे। मान लो, मान लो पहले मैं एक यूनिट खरीदता था, ठीक है, एक यूनिट वहां पे 60 रुपए की आती थी, ढंग से सुनना, एक यूनिट 60 रुपए की आती थी, तो ये एक डॉलर देते थे और एक यूनिट खरीद लेते, ये बॉटल मान लो, ये बॉटल जो है 60 रुपए की आती थी, एक बॉटल ले जाते थे। उनको आज दिख रहा है कि आज अगर वो एक डॉलर स्पेंड कर रहे हैं,
ठीक है ना, $1 स्पेंड कर रहे हैं तो ₹60 की बॉटल तो मिल ही रही है, ₹10 और फालतू बच रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो क्या करेंगे भाई, देखो अभी सस्ता चल रहा है, एक बॉटल की जगह कम से कम 5-6 बॉटल खरीद लो, ठीक है, क्योंकि क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट सस्ता, तो इस चक्कर में इंडिया के पास डॉलर ज्यादा आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब कोई चीज अगर सस्ती मिलती है तो हम उसको उसी टाइम ज्यादा परचेज कर लेते हैं और उसमें हमें डॉलर ज्यादा पे। तो यूएसए वाले, हम इस टाइम कौन है, फॉरनर है भाई हम तो, सागर है ना, तो हम क्या करेंगे, हम डॉलर ज्यादा पे करेंगे। तुम यही पूछ रहे थे या कुछ और पूछ रहे थे? ठीक है, कुछ और पूछ रहे थे तो पूछ लो, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। तो मुझे बताओ डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ा तो देखो डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। आज मैंने नहीं मांगा उनसे, उन्होंने खुद ही मेरे को एक्स्ट्रा डॉलर्स दिए, क्योंकि उनके लिए यहां से खरीदना सस्ता हो गया। अब मैं कह रहा हूँ यही अगर कितना हो जाता, मुझे बताओ ये 40 पे पहुंच जाता तो क्या होता बताना जरा, एक्सचेंज रेट कम हो गया, FER कम हो गया, हाँ भाई क्या होता फिर, खरीदते तो बट कम कर देते, क्वांटिटी क्या कर देते कम, तो यहाँ पे डॉलर भी क्या आते हमारे पास कम। समझ में आ गई बात, तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है देयर इज व्हाट, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कौन सी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं दोबारा से सेम बात करने जा रहा हूँ ताकि फिर दोबारा ना करनी पड़े। मैं कह रहा हूँ अगर मैं डिमांड की बात करूं, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता तो डिमांड पे पता क्या इफेक्ट पड़ता है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाती है, देयर इज व्हाट, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ। अब मैं डिमांड की बात करूं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू। सेम एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं $1 में पहले कितने रुपीज आ रहे थे, 60, और आज $1 कितने में ट्रेड हो रहा है, 70 में, कितने में, 70 में। अब मुझे बताओ क्या FER फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया है ना, बताओ डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, यहां मत खड़े हो, अब यहां पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है ना, हाँ हाँ। तो यानी पहले तो हम 60 का खरीद रहे थे, एक डॉलर खरीदना था इंडिया वालों को, कितना पे कर रहे थे इंडिया वाले, 60 है ना, आज उसी $1 के लिए इंडिया वालों को, तो उनके लिए तो महंगा हो गया डॉलर, और महंगा हो गया तो डॉलर को ये लोग कम खरीदेंगे, तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात हमें कब समझ में आ रही है, जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जब सप्लाई में मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, फॉरनर्स के, और डिमांड में किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, इंडिया के, समझ में आ गए, तब हमें ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, और तभी ही समझ में आती है ये बात, ठीक है, क्योंकि रिलेट ही पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो वाई, वाई देर इज पॉजिटिव why there is positive relationship between foreign exchange rate and supply of foreign exchange। शिवम इनको समझा के आना जरा बाहर वालों को, ठीक है, तो why there is positive relationship between foreign exchange rate and supply of foreign exchange, ठीक है, और भाई लिखो, देर इज बुलेट पॉइंट बना के लिखना, पहला बुलेट पॉइंट फर्स्ट, देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन FER एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Bullet point change. It means when foreign exchange rate increases, then supply of foreign exchange also increases, or vice versa. बोल दिया, और वाइस वर्सा, बुलेट पॉइंट चेंज,
suppose foreign exchange rate increases bracket blink na say from 60 rupees per dollar to 70 rupees per dollar bracket close as a result goods available in domestic market becomes relatively cheaper very good for foreigners ठीक है comma as a result supply of foreign exchange very good also increases ठीक है अब इधर देखो याद करो बेटा मैंने सप्लाई कर्व कैसे बनाया था अपवर्ड स्लोपिंग है ना FER का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट किसकी टर्म्स में लेते हैं रुपीस पर डॉलर और यहां पे क्या लूंगा हाँ यहां पे लूंगा मैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किसकी टर्म्स में लूंगा बताना वेरी गुड इन मिलियन डॉलर्स ठीक है अब इधर देखो पहले मुझे बताओ एक्सचेंज रेट कितना था 60 पे तो एक बात अज्यूम कर लो कि उस पे कितने डॉलर सप्लाई करे जा रहे थे 10 मिलियन डॉलर्स आर बीइंग सप्लाइड तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया ठीक है सिर्फ सप्लाई पढ़ रहे हैं ना क्योंकि डिमांड पढ़ हम पता है पहले हमने दोनों एक साथ पढ़े डिमांड और सप्लाई फिर मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने डिमांड पढ़ाया और फिर सप्लाई तो हमें क्या करना है अब मैं सिर्फ जैसे मैंने पहले डिमांड का डायग्राम बनाया था अब मैं किसका बना रहा हूँ अब मैं दोबारा से मर्ज करके भी दिखाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ किसका बनाना है अभी वेरी गुड ठीक है अब मुझे बताओ क्या एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया 60 से कितना हो गया उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ हमारी जो सप्लाई है वो कितनी हो गई 20 अगर इसको मैच करना दोनों पॉइंट्स को इसको ऊपर ले जाओ यहाँ मैच कर रहे हैं तो एक और पॉइंट मिल गया अब इन दोनों लिंक कर दो ज्वाइन कर दो ठीक है क्या सप्लाई कर्व हमें अपवर्ड स्लोपिंग दिखाई दे रहा है तो सप्लाई कर्व इज अवर अपवर्ड स्लोपिंग व्हाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कौन सी रिलेशनशिप होती है और दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है चलो बना लो जल्दी से ठीक है समझ में आ गई ना बात ठीक है अब मुझे बस ये बता दो कि अगर मैं डिमांड की दोबारा से बात करूं तो डिमांड कर्व कैसा बनता है ये रहा ध्यान है आपको यहां पे मैं क्या लेता था FER और यहां पे मैं ले रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज ठीक है ना अब मैं कह रहा हूं डिमांड कर्व समझाया था डिमांड कर्व कैसा बनता है अभी सप्लाई कर्व बताया कैसा बनता है अब समझ में आ गया मैंने डाउनवर्ड और अपवर्ड क्यों बनाए थे है ना और दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे और जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है डिटरमाइन हो जाता है तो डिमांड भी हमने अलग पढ़ा और सप्लाई भी अब दोनों को हमने क्या कर दिया
मर्ज करवा दिया, ठीक है। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई मैच कर जाती है वहीं पे हमारी करेंसी का प्राइस डिटरमाइन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है। ये ऊपर करा दिया था मैंने, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एक चीज का मुझे आंसर करो, क्या ये डिमांड और सप्लाई ऐसी कॉन्स्टेंट रहते हैं, चेंज होते रहते हैं? डिमांड और सप्लाई क्या होते रहते हैं? चेंज। तो मैं बोल रहा हूँ देखो, ये डिमांड ऐसे बढ़ भी सकती है ना, कि डिमांड देखो बढ़ गई, डिमांड इंक्रीज होगी तो कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? ऊपर। और जैसी ऐसी हुआ, मान लो सप्लाई कॉन्स्टेंट थी, तो देखो क्या हुआ, क्या एक्सचेंज रेट बढ़ गया 60 से, कितना हो गया? सपोज करो, इसको हटा दूं, चलो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होता। मान लो मैं कह रहा हूं डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है, और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, बट सप्लाई का इंक्रीज डिमांड के इंक्रीज से ज्यादा दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा है कितना ज्यादा, और ये देखो कितना कम है ना। तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी और डिमांड, तो देखो एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, मेरे को दिख रहा है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है सप्लाई और डिमांड के दोनों के इंक्रीज डिक्रीज होने से। तो अब थोड़ा सा ये पढ़ लें, है ना। तो मुझे बताओ इसके अंदर दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक्सचेंज रेट क्या होगा बताओ भाई, या तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा या एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा। तो एक केस बनता है डेप्रिसिएशन का, एक केस बनता है एप्रिसिएशन का। समझ में आ गई बात, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? अरे डालो, एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, हेड डालिए, लिखिए। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लिखो। Decrease in the value of, decrease in the value of, decrease in the value of domestic currency due to increase in foreign exchange rate is known as depreciation, is known as depreciation of domestic currency, depreciation of domestic currency in terms of foreign currency, ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो। इन अदर वर्ड्स कॉमा, When पूरा लिखना आप, demand of foreign exchange becomes greater than supply of foreign currency. foreign exchange, when demand of foreign exchange becomes greater than the supply of foreign exchange, comma, then foreign exchange rate, very good, increases and very good, and as a result,
डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। हाँ आता, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, समझाऊं? सुनो भाई, पहले तो सामने देखो, आज मैं कह रहा हूं बेटा हमारा एक ही एग्जाम्पल चलना है पूरे चैप्टर के अंदर। जिसको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है उसको पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इस छोटी सी बात के अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। मैं कह रहा हूं अगर $1 का प्राइस पहले कितना था और आज $1 का जो प्राइस है वो कितना हो गया, 70 रुपए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो करेंसी है यहाँ पे, एक फॉरेन करेंसी और एक डोमेस्टिक करेंसी। रुपीज इज डोमेस्टिक करेंसी, डॉलर इज फॉरेन। मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, नहीं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये लिखा है। तो मैं पूछ रहा हूं बताओ इसके अंदर क्या डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है? क्या हो रही है? एप्रिशिएट। डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट? डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट रितेश? अच्छा हाँ। क्यों डेप्रिशिएट क्यों हो रही है ये? हाँ तो मैं बताऊं? हाँ बताओ। पहले एक एक डॉलर में 60 रुपए का सामान ले जा रहे थे, हाँ अब $1 में 70 रुपए का सामान ले जा रहे हैं, तो गिर तो हमारे रहे। तो क्या हो गया उससे? तो भैया 10 रुपए हमारे फालतू जा रहे हैं ना। हाँ तो ये बोलो ना कि हमारी करेंसी वीक हो गई है, है ना, कि वो $1 में पहले 60 रुपए का सामान ले जाते थे इंडिया से, आज उसी $1 में 70 रुपए का सामान ले जा रहे हैं, यानी हमारी करेंसी 10 रुपए से हाँ डेप्रिशिएट हो गई, वीक हो गई है ना। तो उस वीकनेस को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। यानी मेरे को एक बात समझ में आ गई, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा जल्दी बताओ, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी बताओ क्या होगी, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, है ना। इतनी बात तो समझ में आई। तो देखो पहले वाली डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना, हमारी करेंसी की वैल्यू का डिक्रीज होना या वीक होना, है ना, किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एक बात तो ये हो गई, अब इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। मेन बात है आप मेरे से पूछो कि भैया मैं ये दोनों बातें समझ में आ गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट। बट ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ क्यों रहा है? क्या हो गया ऐसा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया? मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? यानी इससे पहले क्या हुआ? देखो इधर देखो सामने, मैं कह रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया तो हमारी करेंसी क्या हो गई जरा बताना? डेप्रिशिएट, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन है मुझे बताओ इससे पहले क्या हुआ होगा यहाँ पे कि जिसकी वजह से ये फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया? समझ में, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म हुआ होगा जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया होगा? इंक्रीज। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? अच्छा ये बताओ, चलो नॉर्मली पूछ रहा हूँ, किसी के भाव कब बढ़ते हैं? जब उसकी ज्यादा डिमांड हो जाती है, है ना। तो यानी ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो बढ़ रहा है, ये जो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं, डॉलर के भाव बढ़ रहे हैं ना, यानी तो यानी डॉलर के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डॉलर की, वेरी गुड, डॉलर की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज तो डॉलर है ना, तो डॉलर की डिमांड क्या हो गई है? ज्यादा। किससे? उसकी सप्लाई से। और अगर ऐसा हो गया तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होना है? इंक्रीज होना है। अब आप बोल रहे सर ऐसा कैसे? सामने देखते रहो, यहाँ पे हम क्या लेते हैं जरा बताओगे? एफ आर का मतलब किसकी टर्म्स में? रुपीस पर डॉलर। और यहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं किसकी टर्म्स में? हाँ अगर आपको ये डायग्राम समझ में आते हैं, ठीक है ना, तो यानी आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक, डिमांड कर्व, ठीक है, और सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? ये सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बन गया, ठीक है। मुझे बताओ पहले एक्सचेंज रेट कितना चल रहा था? वेरी गुड, कितना चल रहा था?
60 रुपीज, और उसपे कितने डॉलर डिमांड और सप्लाई हो रहे थे? $10 million. So 60 रुपीज पर डॉलर रेट चल रहा था, उसपे $10 million आर बीइंग डिमांडेड एंड सप्लाइड. ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ भी रीजन की वजह से डॉलर की ना देखो डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, और ये सप्लाई से ज्यादा है. मैं सप्लाई को कांस्टेंट मान रहा हूँ अभी, बट सप्लाई को भी चेंज कर सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बट डिमांड ज्यादा रहनी चाहिए. किससे? सप्लाई से. तो मैंने देखो डिमांड बढ़ा दी है ना, फ्रॉम डी डी टू डी वन डी वन. ठीक है, मुझे बताओ क्या ये सप्लाई को यहाँ पे कट कर रही है ना, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है. ठीक है, तो चेक कर सकते हो बेटा आप के आज आज एक्सचेंज रेट मुझे बताओ कितना हो गया, पहले कितना था, तो 60 से कितना हो गया, और 60 से 70 हो गया, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट वीक हो जाएगी. समझ में आ गई बात? तो यानी कहने का मतलब है कि अगर डिमांड ज्यादा हो गई, ठीक है, डॉलर की उसकी सप्लाई से, है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी. इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं कहता हूँ एक बात इसके अंदर, ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है, आपको ये डायग्राम बनाना है, बट बच्चे थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर सप्लाई कांस्टेंट क्यों, मान लो सप्लाई कांस्टेंट नहीं है, बट आपको कंडीशन यही फॉलो करनी है कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा रहनी चाहिए. किससे? लो सप्लाई को इंक्रीज कर देता हूँ, बट सप्लाई का इंक्रीज देख रहे हो कम है, किसके इंक्रीज से, डिमांड के इंक्रीज से देख रहे हो ना, है ना, तो ये लो S1. ठीक है, अभी भी तो आप चेक कर लो क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रहा है, हाँ, बट उतनी ज्यादा तेज से नहीं हो रहा. मान लो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 65 के अराउंड मान लो, है ना, बट इंक्रीज तो हो रहा है. समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखो कि जब तक डिमांड ज्यादा रहेगी किससे, सप्लाई से, तब तक फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, और जैसे सप्लाई ज्यादा होगी किससे, डिमांड से, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम. ये तो थी डायग्राम के थ्रू बात, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात भी कर लेते हैं, समझाता हूँ सारी बातें. डॉलर की डिमांड का मतलब क्या है, जरा आप मुझे बताओगे, डॉलर की डिमांड अभी पढ़ा के आया हूं पीछे, हम डॉलर मांग रहे हैं ना, डॉलर हमें क्यों चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए, है ना, यानी हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो उनकी कंट्री का वो क्या होता है, एक्सपोर्ट. यानी कहने का मतलब है वो कंट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, और उसने अपनी पूरी दुनिया को अपने ऊपर क्या कर रखा है, डिपेंडेंट, वो सबसे स्ट्रांग कंट्री है. मेरी बात समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि पूरी दुनिया आपसे खरीदती है, पूरी दुनिया आप पे डिपेंडेंट है, आपके बिना उनका काम नहीं चलता, आपकी करेंसी क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग. ये प्रैक्टिकल बात है, आप समझ गए मेरी बात. तो सरकार उन एक्सपोर्ट यूनिट को क्यों रिलैक्सेशन देती है जो यहाँ से कंट्री से बाहर सामान बेचते हैं, है ना. अगर मैं कह रहा हूँ मेरी कोई एक्सपोर्ट यूनिट्स है, सरकार उसको बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह बहुत सपोर्ट करेगी उसको, क्यों, उससे हमारे देश का फायदा है. ठीक है, कि मैं यहाँ से पूरी दुनिया में सामान, मैं ऐसा सामान प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मान लो कि और कंट्रीज के बच्चे मेरे से पढ़ने लगे, है ना, मैं यहाँ से गुड्स नहीं बेच रहा बट अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, समझ में आ गई बात, सरकार मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स देने लगेगी. ठीक है, और करो बूस्ट देगी मेरे को. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो हमारा बेनिफिट, हमारी कंट्री क्या होगी, स्ट्रांग. इसलिए एक्सपोर्ट यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करा जाता है हमारी कंट्री के अंदर. ठीक है, समझ में आ गई बात, ये थी प्रैक्टिकल बात, क्लियर है. चलो डायग्राम बना लो. हो गया, ठीक है. सुनो भाई, अब आप मेरे को बताओगे, हैडिंग डाल दो वैसे.
इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री. बताओ भाई हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा डेप्रिसिएशन का? इंक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वेरी गुड. तो ये लोग भी कह रहे हैं इंक्रीज, आप लोग भी कह रहे हो इंक्रीज, बट ऐसा क्यों है? एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते, ध्यान रखना. कह रहे हैं आप लोग, कह रहे हो कि अगर हमारी करेंसी क्या हुई. अच्छा पहले मुझे बताओ सबसे पहले क्या हुआ था? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हुई थी किससे? इसकी वजह से क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से. और अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? हाँ वेरी गुड. तो हमारे यहाँ पे जो गुड्स अवेलेबल हैं वो क्या हो गए? चीपर. किसके लिए? फॉरनर्स के लिए. और चीपर अगर हो गए तो वो हमसे ज्यादा परचेज करेंगे, और ज्यादा परचेज करेंगे तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. तो यानी कहने का मतलब है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज गुड्स अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट बिकम्स रिलेटिवली चीपर फॉर द फॉरनर्स एंड एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस. लिखवा रहा हूँ सागर, पूरा लिखवा रहा हूँ. लिखो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी increases the exports of the country. It is because goods available in domestic market becomes relatively cheaper for the foreigners, comma, and as a result, exports increases. ठीक है? क्लियर है भाई? चलो हेड डालो जल्दी से. डेप्रिसिएशन हो गया, हेड डालो एप्रिसिएशन. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म है FER, उसके बाद BOP स्टार्ट करेंगे. ठीक है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. लिखो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक हाँ करेंसी. बताओ भाई. नहीं, ड्यू टू Very good. Due to decrease in foreign exchange rate. ठीक है ना? बताओ आगे. Is known as appreciation. Is known as appreciation of. डोमेस्टिक करेंसी
इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है भाई, ये टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ भी वाइंड ऑफ कर रहे हैं। बाय।